सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, भारतीय जनता पार्टी का तिहाड़ प्रशासन, अरविंद केजरीवाल जी ने जो राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन डाली थी कि वो अपने डॉक्टर से, अपने डायबिटीज के स्पेशलिस्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंसल्टेशन करना चाहते हैं, और उन्होंने जो एप्लीकेशन डाली थी कि वो इंसुलिन फिर से शुरू करना चाहते हैं, इस एप्लीकेशन का विरोध भारतीय जनता पार्टी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और भारतीय जनता पार्टी के तिहाड़ प्रशासन ने किया। ईडी के वकील कोर्ट में प्रस्तुत हुए, कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को अपने डॉक्टर से नहीं मिलने देना चाहिए। तिहाड़ का वकील पेश हुआ, जो एलजी साहब की तरफ से पेश हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को अपने डॉक्टर से वीसी नहीं करने देंगे, हम इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कोर्ट में जो दलील रखी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डॉक्टर कंसल्टेशन का विरोध किया, इंसुलिन की जरूरत का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने एम्स के डॉक्टर से बात कर ली, एम्स के डॉक्टर बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी को क्या चाहिए। एम्स के डॉक्टर देश के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, तो अगर वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी सही डाइट चार्ट फॉलो करेंगे, तो ना उनको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, ना उन्हें स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, और ना ही उनको इंसुलिन की जरूरत है। ये बात भारतीय जनता पार्टी की ईडी और भारतीय जनता पार्टी के तिहाड़ प्रशासन ने रखी। आज मैं आप सबको एम्स के डॉक्टर की सच्चाई बताना चाहती हूं। ईडी ने, तिहाड़ प्रशासन ने जब एम्स के डॉक्टर्स का पक्ष रखा, तब तक उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की एम्स के किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन नहीं करवाई थी। वो उन्हें एम्स के किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए थे, एम्स के किसी डॉक्टर को तिहाड़ नहीं बुलाया था, किसी डायबिटोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया था। और जैसा कि कल हमने आपको उनकी चिट्ठी पेश करके सामने रखा, दो दिन पहले तक उन्होंने डायबिटोलॉजिस्ट की रिक्वेस्ट तक एम्स को नहीं रखी थी। तो सबसे पहली बात, वो कोर्ट में खड़े हुए कहा कि हमने एम्स से कंसल्ट किया है, लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एम्स के किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया। दूसरी बात, कोर्ट में यह कागज दाखिल किया तिहाड़ प्रशासन ने कि एम्स के सबसे बड़े डॉक्टरों ने, एम्स के डायबिटीज के स्पेशलिस्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की डाइट चार्ट बताई है कि अगर वो इस डाइट चार्ट को फॉलो करेंगे तो उनको इंसुलिन की जरूरत नहीं होगी। एम्स के इस कागज के आधार पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन का विरोध किया। ये डाइट चार्ट किसने बनाया? क्या ये एम्स के डायबिटोलॉजिस्ट ने बनाया? क्या ये एम्स के डायबिटीज स्पेशलिस्ट ने बनाया? नहीं। आप अगर इस डाइट चार्ट को देखने जाइए तो ये किसी डायबिटोलॉजिस्ट ने नहीं बनाया, ये मात्र एम्स के न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट, डायटेटिक्स डिपार्टमेंट से एक स्टैंडर्ड डाइट चार्ट ईडी उठा के ले आई। आप इस डाइट चार्ट को देखिए तो इस पे लिखा, ये नहीं लिखा डिपार्टमेंट ऑफ डायबिटीज, ये नहीं लिखा डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, इसमें लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ डायटेटिक्स। और इस डाइट चार्ट पे साइन करने वाले हमें कहते हैं कि इन्होंने एम्स के टॉप डॉक्टर से कंसल्ट किया है,
आप इस डाइट चार्ट को उठा के देखिए तो इस पे साइन करने वाली डॉक्टर परमीत कौर डायबिटोलॉजिस्ट नहीं है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट नहीं है, एक डायटिशियन है। और हम सबको पता है कि डायटिशियंस एमबीबीएस डॉक्टर्स नहीं होते हैं। यहां तक कि परमीत कौर जी का अपना लिंक्डइन प्रोफाइल यह दिखाता है कि वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, वो एमएससी और पीएचडी है न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स। वो जरूर सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट होंगी, वो जरूर डायटिशियन की फील्ड में क्वालिफाइड होंगी, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जी जिनको 30 साल से डायबिटीज है, अरविंद केजरीवाल जी जिनका शुगर लेवल 300 के ऊपर है, अरविंद केजरीवाल जी जिनका ईडी कस्टडी में शुगर लेवल 45 पे गिर गया था, क्या ये एम्स से कंसल्टेशन कर रही है ईडी? क्या ये एम्स से कंसल्टेशन कर रहा है तिहाड़ प्रशासन? तो आज जो कागज तिहाड़ प्रशासन ने और ईडी ने कोर्ट में जमा किए हैं, ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ईडी और भारतीय जनता पार्टी का तिहाड़ प्रशासन कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी अपने डॉक्टर से बात ना कर सके, अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन ना मिल सके, इसके लिए पूरा षड्यंत्र रच रहा है।